नवरात्र का पर्व अंतिम चरण पर है। नवरात्र के 9 दिनों में पूरी श्रद्धा के साथ माँ की पूजा और व्रत किया जाता है। नवरात्र के प्रमुख आकर्षण में से एक कन्या पूजन भी है। नवरात्र पर्व के दौरान कुछ लोग उपवास के आखिरी दिन कन्या पूजन और भोजन कराने का संकल्प लेते हैं। कन्या भोज के साथ ही नवरात्र का समापन होता है। अगर आप भी कन्या भोज कराने जा रहे हैं तो कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखें। वैसे तो नवरात्र के 9 दिनों ही कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन मान्यता अनुसार नवरात्र की अष्टमी और नवमी प्रमुख रूप से कन्या पूजन के लिए बताए गए हैं। इन 2 दिनों में छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोज कराया जाता है। कुछ लोग अष्टमी को कन्या भोज कराते हैं तो कुछ लोग नवमी के दिन। नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि के दिन माता गौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। कन्याओं को 9 देवियों का रूप मानकर पूजा और भोजन कराया जाता है। कन्याओं को वस्त्र, धन और श्रृंगार की वस्तुएं भी भेंट की जाती हैं। इसकी वजह यह है कि देवी भगवत पुराण में कहा गया है कि कन्या पूजन से माता प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन में 9 कन्याओं का पूजन उत्तम माना जाता है। हालांकि नवरात्र के हर दिन एक कन्या की पूजा करके 9 कन्या पूजन का फल प्राप्त कर सकते हैं। संभव ना हो तो कम से कम 2 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराना चाहिए। बालक को बटुक, भैरव और लंगूरा के रूप में पूजा जाता है। देवी की सेवा के लिए भगवान शिव ने हर शक्ति पीठ के साथ एक एक भैरव को रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी जरूरी है। तभी अगर किसी शक्ति पीठ में माँ के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन नहीं किए तो माँ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। कन्या पूजन में कोशिश करें कि 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाए। शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में छोटी कन्या एक तरह की अव्यक्त ऊर्जा की प्रतीक होती है और उसकी पूजा करने से यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इनका पूजन करने वाले को समस्त ब्रह्मांड की देव शक्तियों का आशीर्वाद मिलने लगता है। घर आने वाली कन्याओं को माता का रूप माना जाता है, इसलिए उन्हें घर बुलाने से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। कन्या पूजन से पहले घर का माहौल साफ सुथरा कर लेना चाहिए, तभी कन्या पूजन का फल प्राप्त होता है। कन्याओं को माता रानी का रूप माना जाता है, ऐसे में उनके घर आने पर माता रानी के जयकारे भी लगाने चाहिए। इसके बाद कन्याओं के पैर धोने चाहिए। सभी कन्याओं को बैठने के लिए आसन बिछाकर बैठाना चाहिए। फिर रोली और कुमकुम का टीका लगाने के बाद उनके हाथ में मौली बांधनी चाहिए। अब सभी कन्याओं और बालक की आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद माता रानी को भोग लगाया हुआ भोजन कन्याओं को दें। वैसे तो कन्याओं को यथाशक्ति अनुसार भोजन कराना चाहिए। माँ भगवती को खीर, मिठाई, फल, हलवा, चना, मालपुआ प्रिय है, इसलिए कन्या पूजन के दिन कन्याओं को खाने के लिए पूरी, चना और हलवा दिया जाता है। कन्याओं को केसर युक्त खीर, हलवा, पूड़ी का सेवन भी करवाना चाहिए। ध्यान रखें कि उनके लिए बनाए खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना हो। मान्यता अनुसार बिना लहसुन और प्याज से बनी आलू या कद्दू की सब्जी भोजन में खिलाने से कन्या भोज सफल और नवरात्र के व्रत का पूर्ण शुभ फल प्राप्त होता है। भोजन के बाद कन्याओं को यथाशक्ति भेंट और उपहार भी दिया जाता है। छोटी छोटी देवी स्वरूप कन्याओं के पैरों में आलता लगाकर पूजन करने के बाद सफेद वस्त्र, ऋतुफल, खिलौने या अन्य वस्तु देने के साथ नारियल, केला या पेड़ देने के बाद कुछ दक्षिणा भी दी जानी चाहिए। इसके बाद कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर विदा करें। ऐसा कहा गया है कि विधि विधान से कन्या पूजन करने से नवरात्र का व्रत पूर्ण माना जाता है और माता रानी प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं।